चलिए दोस्तों, लुक माय नट्स के और एक नए एपिसोड में एक नए रोप टेक्निक लेके मैं सुभाष आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सीखेंगे पुरसिल प्रुसिक सिस्टम को कैसे लगाना है। इस सिस्टम को लगाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह की नई नई रोप टेक्निक हो या नए नए नट्स को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों पुरसिल प्रुसिक सिस्टम के उपयोग की। तो इसका सीधा सा उपयोग है, जैसे कोई क्लाइंबर हो या कोई आर्बोरिस्ट है जो रोप के माध्यम से किसी ऊंची जगह पे या किसी ऊंचे पेड़ पे चढ़ते हैं, तो उस समय एक रोप के माध्यम से चढ़ने के लिए हमें कुछ लूप की आवश्यकता होती है। तो ये जो पुरसिल प्रुसिक सिस्टम है ये हमें एक लूप प्रदान करता है, जिससे क्या होता है हम स्टेप बाय स्टेप उस रोप के माध्यम से किसी ऊंची जगह पे या किसी पेड़ पे चढ़ सकते हैं। और दूसरा उपयोग, ये अपना सिक्योरिटी सिस्टम के तौर पे काम करता है। अगर कहीं आप ऊपर से स्लिप हो गए, नीचे गिरने लगे, फॉल हो गए, तो आपको ये फॉल अरेस्टर के हिसाब से काम करता है। ये जो आपका शॉक ऑब्जर्वर होता है, जो शॉक बनता है ऊपर से गिरते समय जो एनर्जी बनती है उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है। तो इस सिस्टम को किस तरह से लगाना है, इसके अंदर क्या बातें देखने लायक है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये वीडियो में हम आगे चल के देखेंगे। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए हम दो नट्स का यूज़ करेंगे, दो गठनों का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले है फिगर ऑफ एट और दूसरी है प्रुसिक हिच। तो इन दोनों गठनों के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपको देखना है तो ऊपर के आई बॉल में वीडियो दे दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम किस तरह से अपने लिए काम करता है। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में हमने जान लिया कि पुरसिल प्रुसिक सिस्टम का यूज़ कहाँ होता है। अब देखते हैं कि इसको किस तरह से लगाना है। दोस्तों, इसको लगाने से पहले कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले जिस रोप का आप इस्तेमाल इस सिस्टम को बनाने के लिए करोगे वह 6 से लेकर 8 mm तक का रोप आप यूज़ करोगे। दूसरी बात, उस रोप को आप चेक करके यूज़ करोगे, बीच में वो रोप कहीं डैमेज नहीं होना चाहिए। इसे बनाने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे फिगर ऑफ एट लूप का। तो फिगर ऑफ एट लूप किस तरह से बनाना है देख लीजिए। ये फिगर ऑफ एट लूप कुछ अलग टाइप का है, इसके पहले और भी वीडियो बने हैं लूप के बारे में जिसके अंदर फिगर ऑफ एट लूप का भी वीडियो बना हुआ है। आपको देखना है तो ऊपर के आई बॉल में मैंने वीडियो दे दिया है, वहाँ भी आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने लिंक दे दी, वहाँ भी जाके आप देख सकते हो। तो चलिए इसको कैसे लगाना है देख लीजिए। देखिए, यहाँ रोप के दो पार्ट है, एक स्टैंडिंग पार्ट एक वर्किंग पार्ट। दोनों पार्ट को हमने साथ जोड़ लिया इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, एक पार्ट को इस तरह से यहाँ अपने एक राउंड दे देने, ये दे दिया दोस्तों। ये देने के बाद जो दूसरा पार्ट है अपना, इसको खींच के थोड़ा नीचे ले लेते, यहाँ तक ले लेते। अब देखिए, जो अपना दूसरा पार्ट था उसके पहले वाले एक पार्ट के ऊपर हमने क्या बनाया, एक लूप टाइप का बना दिया। लूप कितना बड़ा हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने जैसे आपको दिखाने डेमो के तौर पर मैंने इतना बड़ा लूप यहाँ ले लिया, आप देख सकते हो। इससे आप थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हो, मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हो, छोटा करना है तो छोटा कर सकते हो। ये होने के बाद यहाँ लगानी हमने फिगर एट लूप। अब फिगर एट लूप कैसे लगाना है देख लीजिए, बहुत आसान है। इस तरह से यहाँ घुमा दिया, ये देख लीजिए, बहुत आराम से और आसान तरीके से आपको मैं सिखाऊंगा, आप गौर से देखें। ये होने के बाद इन तीनों रोप के हिस्से को नीचे ले लेना इस तरह से। हम जब काम करते हैं दोस्तों उसके अंदर एक कलाकृति होनी चाहिए, अपना जो काम है उसके अंदर एक स्मार्टनेस होनी चाहिए, एक काम अपना इम्प्रेसिव होना चाहिए। उसके लिए आपको इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, एक एक करके इसको इसके अंदर से पास कर देना है। ये देख लीजिए, ये पास हो गया, इसी के साथ ये लूप भी पास कर देना है। ये होने के बाद इसको पकड़ के आप इस लूप को टाइट कर दीजिए। देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से लूप दिखाई भी देगा और अपना काम भी करेगा। ये देख लीजिए, बढ़िया से इसको टाइट कर लिया। ये तो कुछ इस तरह से ये लूप बनके तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। ये लूप बनने के बाद अब क्या करना है, अब बारी आती है नीचे वाले पार्ट की। अब नीचे वाले पार्ट में क्या करना है, जैसे इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, फिर हम देखते हैं रोप को बराबर, यहाँ से आपने रोप को बराबर लेके आना है। इस तरह से बराबर करते हुए रोप के आखिरी हिस्से तक आ जाना है, यहाँ तक। यहाँ तक आने के बाद अब यहाँ लगानी प्रुसिक हिच। अब प्रुसिक हिच के बारे में भी पहले वीडियो बन चुका है अपने चैनल पे है, उसको भी आप आई बॉल में मैंने दे दिया है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी देख सकते हैं। तो यहाँ लगानी हमने प्रुसिक हिच, आप हाथ के ऊपर भी लगा सकते हैं या आप यहाँ नीचे भी टेबल के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो मैंने आपको हाथ के ऊपर लगाना भी सिखाया हुआ उस वीडियो के अंदर, आप आराम से जाके देख लीजिए हाथ के ऊपर किस तरह लगाना है। मैं फटाफट लगा देता हूँ यहाँ, ये हो गया। इस तरह से पकड़ लिया, अब मैंने प्रुसिक हिच को अपने हाथ के ऊपर पकड़ा हुआ है। अब क्या करना है, यहाँ
अपने शुरुआत में फिगर एट लूप बनाया था, इसी लूप को इस प्रोसीकिच के अंदर से पास करते हुए बाहर निकाल लेना है। किस तरह से, ये देख लीजिए, यहाँ से आपने डाल देना, यहाँ से इसको देख लीजिए, आप प्रोसीकिच को जो राउंड है इसको आप थोड़े बड़े भी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गए, इसके बाद इसको एक एक करके आप आगे लेते जाइए, आगे ले जाने के बाद आप इसको आराम से सेट कर सकते हो। ऐसे कोई बात, अब देखिए आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पूरा रोप उलझ गया है, नहीं, यहाँ आपको उस प्रोसीकिच को सेट करना है। किस तरह सेट करना है, तो अपने दो जो हिस्से हैं जो सामने से पीछे तरफ गए, इनको पकड़ लीजिए पीछे से यहाँ और टाइट कर दीजिए। ये देख लीजिए, इस तरह से आप इसको नज़दीक ले लीजिए और फिर धीरे धीरे घुमा घुमा के इस नट्स को बढ़िया तरह से बना लीजिए यहाँ। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि अपनी जो प्रोसी खींच थी यहाँ लग गई। अब इस लूप को जो क्या करना है, अब देखिए यहाँ एक लूप बन गया, इस तरह से देखिए एक बड़ा लूप बन गया। बड़ा बनना कोई बात नहीं, इस पुरसील प्रोसीक सिस्टम की खासियत ये है कि आप यहाँ लूप भी बना सकते हो और उसको एट ए टाइम आपको जितना बड़ा चाहिए उतना एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। यह देखिए, अगर मैंने इसको घुमाते हुए नीचे लेके आया, खिसकाते हुए, धकेलते हुए, तो देखिए यह छोटा लूप बन गया। अगर बड़ा लूप चाहिए तो आप इसको बड़ा बना दीजिए, बड़ा हो जाएगा, छोटा चाहिए तो छोटा हो जाएगा। ये देख लीजिए, इसको हम खींचेंगे तो ये लूप यहाँ इस रोप के ऊपर टाइट हो जाएगा, क्योंकि प्रोसीकिच हिच की खासियत हुई है जहाँ आपने उसके ऊपर लोड देना शुरू कर दिया वही वो नट्स, वो हिच रुक जाती है। ये देख लीजिए, मेरे पास नॉर्मल कैराबिनर है, इनको मैं यहाँ आपको अटैच करके दिखा देता हूँ इस तरह से, और ये कैराबिनर कहाँ लग जाएगा, अपने जहाँ हमने फिगर ऑफ एट लूप बनाया उस तरफ लग जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ कुछ इस तरह से, आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये पुरसील प्रोसीक सिस्टम आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी ऐसी रोप टेक्निक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड कीप वॉचिंग अवर चैनल लुक माई नट्स।